हेलो गाइज, हाउस कंस्ट्रक्शन सीरीज़ की वीडियो नंबर 5 में आपका स्वागत है। गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शटरिंग वर्क के बारे में। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उस पर हमने बात की थी जुड़ाई के बारे में, यानी ब्रिक वर्क के बारे में, और ब्रिक वर्क हमारा रेडी हो गया था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो शटरिंग का है। तो आज की वीडियो में हम शटरिंग के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही में क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है शटरिंग लगाने में, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइज, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो कंटेंट इस चैनल पर रेगुलरली अपलोड करते हैं। अभी हम जो सीरीज चला रहे हैं इस पर हम पूरी सीरीज वाइज देख रहे हैं, पूरे स्टेप वाइज वीडियो डाल रहे हैं, जिस पर कंस्ट्रक्शन का पूरा हम कंप्लीशन डालने वाले हैं, A to Z, बिल्कुल नीचे से लेकर के फिनिशिंग तक जितना भी कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा पूरा हम यहाँ पे कंप्लीशन देखेंगे। ये सीरीज़ की 5वीं वीडियो है। 4 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें शटरिंग वर्क के बारे में, तो गाइज जैसे ही आपका ब्रिक वर्क कंप्लीट हो जाता है और कॉलम की कास्टिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद शटरिंग का मेन वर्क चालू होता है जो कि स्लैब का वर्क होता है। स्लैब पर हमको पूरी शटरिंग लगानी होती है और साथ में हमको स्टेयर केस यानी हमारे जीने में शटरिंग लगानी होती है, और स्टेयर केस की जो शटरिंग है उस पर हमको बहुत ध्यान देना होता है। उसके जो राइजर होते हैं, ट्रेड होते हैं, उनका प्रॉपर हमको नाप लेकर और प्रॉपर उसका मेजरमेंट करके ही करवाना होता है शटरिंग का वर्क। और इसकी अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और गाइस, मेनली स्लैब से पहले ही जीने को आधा कास्ट कर दिया जाता है या 75% कास्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद ही गाइस ऊपर स्लैब की शटरिंग हो जाती है, और शटरिंग के बाद जो है इस पर लोहा बनता है और उसके बाद ही गाइस इस पर कास्टिंग होती है। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारा शटरिंग का वर्क चल रहा है, आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये गाइस हमारा प्लेट की शटरिंग लगी हुई है। दो टाइप की शटरिंग होती है, एक प्लाई की शटरिंग होती है, एक प्लेट की शटरिंग होती है। तो गाइस ये प्लेट की शटरिंग पूरी जगह लगी हुई है। प्लेट की शटरिंग में गाइस फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आ पाती है, लेकिन जो प्लाई की शटरिंग होती है उस पर बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। साथ ही में आपको सीलिंग में प्लास्टर नहीं करवाना पड़ता है, डायरेक्ट आप उस पर पुट्टी करवा सकते हैं, इतनी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। बट गाइस कहीं कहीं पे जब जहां प्लास्टर होना है, प्लास्टर क्लाइंट का अगर कहना है कि प्लास्टर होने ही है, तो फिर उसके बाद ये वाली शटरिंग लगा दी जाती है। इस पर भी थोड़ी सी फिनिशिंग, बस रफ आता है सरफेस, तो उसके लिए प्लास्टर कर दिया जाता है, और प्लास्टर के माध्यम से वो एकदम करेक्ट हो जाता है, एकदम अच्छे से फिनिश आ जाता है। साथ ही में आपको लेवलिंग का अच्छे से ध्यान रखना होता है। आपकी जब शटरिंग लगती है तो आप अच्छे से उसकी लेवलिंग करवा लीजिए। लेवल करने के बाद ही इसमें लोहा बंधवाइए, और लोहा बंधवाने के बाद एक बार और इसकी लेवलिंग करवा लीजिए, जिससे आपका स्लैब जो है वो एकदम लेवल पे आ जाएगा। सो गाइज, अब हमारा सेंटिंग का वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब इस पर हम लोहा बांधेंगे, और लोहा किस टाइप से बांधा जाएगा, कहाँ 1 बे बांधा जाएगा, 2 बे बांधा जाएगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो मेक श्योर आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो टाइम पर मिल जाए। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।